वाले हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे और सर्का सर्किट डायग्राम बना के भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत होती है वो देख लेते हैं, क्योंकि वो पता होना बहुत ही जरूरी होता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर तीन कॉन्ट्रैक्टर यूज होते हैं, जो कि मेन, स्टार और डेल्टा के लिए। आप इनको अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं, इस यहाँ पे स्टार मेन डेल्टा, स्टार डेल्टा मेन, अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन वायरिंग का जो सर्किट रहेगा वो एक ही रहता है, ठीक है। वैसे अलग अलग हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हो सकता है। फ्रेंड्स, एक होता है हमारे पास ये टाइमर, ठीक है, जो कि स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हम एक कंट्रोल के लिए MCB ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टॉप बटन है और एक स्टार्ट बटन है, और एक ये ओवरलोड रिले है जो कि मोटर की प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। तो ये इसके अंदर कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं फ्रेंड्स, कंट्रोल वायरिंग के अंदर। यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम के थ्रू इसकी वायरिंग करने वाले हैं। सर्किट डायग्राम आपको बीच में, वीडियो के बीच में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमें इसकी वायरिंग करनी है। वायरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कंट्रोल वायरिंग सिर्फ 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होगी, ये पावर वायरिंग नहीं है। पावर वायरिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंट्रोल वायरिंग पूरी अच्छी तरीके से आ जाएगी, और वीडियो देखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है आपको, कि कहाँ पे कोई भी पॉइंट छूट गया तो आप वायरिंग गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फेज से, ठीक है। ये 220 वोल्टेज है, फेज और न्यूट्रल का काम होगा इसमें, तो हम फेज वायर यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले MCB से, जो हमारी MCB है उससे हम आउटपुट लेंगे। तो हमारी एक यहाँ पे फेज वायर जोड़ देते हैं। इस फेज वायर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो NC बटन है, स्टार्ट बटन है NC, उसके अंदर जोड़ेंगे। ये NC बटन है, स्टार्ट बटन इसके रेड कलर का है, NC बटन इसके अंदर हम जोड़ेंगे। MCB से इसे इस पॉइंट पे जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है, इस MCB से स्टॉप बटन में ये वायरिंग आ चुकी है। अभी इसका जो दूसरा टर्मिनल है, यहाँ से लेके ओवरलोड रिले में लेके जाएंगे हम, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे 95 नंबर पे, यहाँ पे ओवरलोड रिले के अंदर 95 नंबर के अंदर जुड़ की है। अभी हम क्या करेंगे, 95 से 96 NC है, तो हम यहाँ से 96 पे एक वायर जोड़ेंगे और उसको हम स्टार्ट पुश बटन के एक पॉइंट पे जोड़ देंगे, इस वाले पॉइंट पे। हमने ओवरलोड के इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जोड़ दिए ये वायर। अभी हम क्या करेंगे, इसके एक स्टार्ट बटन के इस पॉइंट से लेके और जो टाइमर का A1 पॉइंट है, वहाँ पे हम जोड़ देंगे इसको। टाइमर है उसका A1 पॉइंट है ये, इसके ऊपर यहाँ पे जोड़ देंगे इस वाले पॉइंट। फ्रेंड्स, इस पे हमने जोड़ ली है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, जो स्टार्ट बटन है यहाँ से सप्लाई तीनों कॉन्ट्रैक्टर तक जाती है, लेकिन वो इंटरलॉकिंग के थ्रू जाती है। जैसे ही टाइमर ऑन हो जाएगा, वैसे ही पहले सबसे पहले स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, उसके बाद मेन कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद जब टाइमर चेंज कर देगा अपना टाइम, उसके बाद ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ से लेके एक वायर को A1 है जो ये टाइमर का, वहाँ पे जोड़ना है इसको, ठीक है। लेकिन इससे आगे भी वायर यहाँ से जाएगी, तो हम इसी के साथ हम लूप में वायर को जोड़ देते हैं साथ में, क्योंकि यहीं से हमें स्टार के लिए जाएगी, यहीं से डेल्टा के लिए और यहीं से मेन के लिए। तो हम हमारे इसके ऊपर टाइमर के ऊपर बना हुआ है, जो स्टार के लिए यहाँ से एक वायर यहाँ पे आएगी, डेल्टा के लिए एक वायर यहाँ से एक इस पे आ जाएगी, और मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक अलग वायर चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन वायर एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं इसी के साथ। एक वायर A1 में चला गया और यहाँ से एक स्टार में आ गया और एक डेल्टा में आ गया, और ये आगे एक मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए आगे वायर चला जाएगा। फ्रेंड्स, हमने ये लूप इसलिए लगा दी कि एक ही टर्मिनल के अंदर तीन चार वायर नहीं जा सकती थी, इसलिए हमने अलग अलग टर्मिनल के अंदर, क्योंकि सबके अंदर फेज वायर जाना है, तो सबके अंदर हमने घुमा के दो दो डिवाइड कर दिया और हमने ये इस हिसाब से अलाइन कर लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं A1 में आ गया, ये डेल्टा में भी आ गया और ये स्टार में, और ये वाली वायर मेन कॉन्ट्रैक्टर के लिए चली जाएगी। तो अभी ये सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार, अगर हमारा स्टार ऑन हो रहा है तो हम स्टार के लिए वायर लेंगे। इसको हम एक बार काट के छोड़ देते हैं मेन के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम वायर लेंगे एक
ठीक है, तो हमें सबसे पहले मेन कॉन्टैक्ट सॉरी स्टार कॉन्टैक्टर को ऑन करना है, तो उसके लिए एक वायरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टाइमर के ऊपर यहाँ पे 18 नंबर एक स्टार का पॉइंट निकला हुआ है, तो हम यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अभी इसको कनेक्ट कर लिया है 18 नंबर स्टार पे। अभी इस वायर को हम डेल्टा के एनसी वाले पॉइंट पे लेके जाएंगे। ये एनसी पॉइंट है, आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये एनसी पॉइंट है। इसी इंटरलॉकिंग के लिए होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको इंटरलॉकिंग के बारे में नहीं पता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, हम आपको इंटरलॉकिंग के ऊपर भी वीडियो बना के दिखा देंगे फुल प्रैक्टिकल। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे सबसे पहले इसको कनेक्ट करके आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ से ये डेल्टा के एनसी पॉइंट पे कनेक्ट हो गई है। अभी जो इसका एनसी पॉइंट का दूसरा टर्मिनल होगा, ये एक पॉइंट ये हो गया, एक दूसरा ये, इस पॉइंट से वायर जोड़ के हम जो स्टार कॉन्टैक्टर है उसके क्वाइल के अंदर, ये क्वाइल के टर्मिनल फ्रेंड्स A1 A2, ठीक है A1 A2, तो इसके एक टर्मिनल पर जोड़ देंगे हम एनसी पॉइंट से, इसके एक यहाँ पर टर्मिनल पर जोड़ेंगे। सबसे पहले टाइमर से निकाल ली, टाइमर से निकाल के एनसी इसके डेल्टा के एनसी में गई, डेल्टा के एनसी पॉइंट से सेकंड टर्मिनल से ये चली गई फिर जो स्टार कॉन्टैक्टर का क्वाइल के अंदर, ठीक है। तो अभी स्टार की वायरिंग हो गई है, अभी बात करते हैं स्टार के बाद मेन कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो हम मेन कॉन्टैक्टर के अंदर कैसे लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही टाइमर के अंदर पावर आएगी तो उससे स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए, स्टार कॉन्टैक्टर के बाद ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्या करेंगे कि ये बाद में ऑन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी जो यहाँ से जो मेन वायर आई है उसको हम जो स्टार कॉन्टैक्टर का NO है यहाँ पे हमने वायर जोड़नी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से लेके ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ से लेके इसकी क्वाइल में टर्मिनल, इसकी क्वाइल है ये, यहाँ से इसकी क्वाइल में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी आप देखते हैं इसके हमने NO पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ पे इसकी वायर को जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये अभी मेन कॉन्टैक्टर को भी सप्लाई चली गई है, लेकिन जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये भी ऑफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे NO दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक होल्डिंग पॉइंट देंगे, होल्डिंग हमेशा NO से दी जाती है फ्रेंड्स, जिसकी हम होल्डिंग करते हैं उसी के NO से दी जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो मेन कॉन्टैक्टर है उसका ये NO पॉइंट है ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ पे एक वायर लेंगे, यहाँ से इस पे एक वायर जोड़ देंगे, इसी पॉइंट से इसके इस पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या किया, इसकी क्वाइल से यहां से लेके हमने 83 नंबर NO पॉइंट पे जोड़ दिया है जो कि होल्डिंग के लिए हम यूज करने वाले हैं। तो हम इसका दूसरा टर्मिनल निकलता है 84 नंबर, तो होल्ड करने के लिए जो मेन सप्लाई आती है वहां पे, यहाँ से इसके यहाँ पे जो हमारे टाइमर से इसमें आई थी, अब यहाँ से हम इस टाइमर को यहाँ पे दे देंगे। तो जैसे ये ऑफ हो जाएगा तो इसको ये सप्लाई यहाँ से इसके थ्रू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये ऑन हो जाएगा तो ये एनसी हो जाएगा, एनसी हो जाएगा तो इसको ये सप्लाई यहाँ से मिलनी, ऐसे करके इसको यहाँ से मिलनी लग जाएगी। तो हम यहाँ से एक वायर जोड़ के यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये इसका भी होल्डिंग हो गया है, यानी कि मेन कॉन्टैक्टर की पूरी कंप्लीट वायरिंग हो गई है, ठीक है। मेन कॉन्टैक्टर के अंदर सप्लाई आएगी और जो स्टार है उससे भी इसको होल्डिंग मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी क्या है, बारी आती है डेल्टा, डेल्टा कॉन्टैक्टर के अंदर सप्लाई पहुँचाने की, इसके अंदर कॉइल के अंदर सप्लाई कैसे आएगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करना है, जो हमारा टाइमर है ये चेंज करेगा इसको, तो टाइमर से जो आउटपुट निकलती है एक 28 नंबर डेल्टा है, तो इस टर्मिनल से हम एक वायर जोड़ के और जो स्टार का एनसी है, स्टार का एनसी है, यहाँ से स्टार के एनसी पे यहाँ पे वायर जोड़ेंगे, ये इंटरलॉकिंग के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हमने इसको ऑन करने के लिए इसके एनसी पे जोड़ा था, इसको ऑन करने के लिए हम इसके एनसी से जोड़ेंगे, ठीक है। ये एक इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग आपको नहीं आती तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, इंटरलॉकिंग आपको सिखाएंगे।
तो अब यहां से एक वायर यहां पे जोड़ते हैं। टाइमर के डेल्टा पॉइंट से उठा के हमने स्टार के एनसी पॉइंट पे यहां पे जोड़ दिया है। जो इसका एनसी पॉइंट का दूसरा टर्मिनल ये वाला टर्मिनल है उससे हम वायर लेंगे और इसकी जो क्वाइल है यहां पे ए टू में जोड़ देंगे, ए वन या ए टू में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका जो टर्मिनल है ए वन ए टू। ठीक है, तो यहां पे इसके एनसी से यहां पे एक वायर जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अभी क्या किया, इसके एनसी से यहां पे हमने वायर जोड़ ली है, तो अभी इसको भी पावर मिल जाएगी, इसको भी पावर मिल जाएगी और इसको भी मिल जाएगी। अभी हम दिखाते हैं आपको सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में आपको कुछ समझा देते हैं कि कैसे कैसे हमने वायरिंग की है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यह है स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। सबसे पहले हमारी पावर आती है, फेज आता है एमसीबी के अंदर, तो ये हमारी एमसीबी होगी। ठीक है, नीचे आप नीचे भी देख लीजिए एमसीबी होगी। एमसीबी के बाद आती है स्टॉप बटन में, तो हमने ये स्टॉप बटन लगाया था यहाँ पे, स्टॉप बटन के अंदर ये पावर आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है ये ओएलआर में, ओवरलोड रिले में, तो हमने इसके बाद यहाँ से ओवरलोड रिले में सप्लाई लेके गए थे। ओवरलोड रिले से दूसरा टर्मिनल जाता है स्टार्ट बटन में, तो हमारा यहाँ से निकल के स्टार्ट बटन में गई थी। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट बटन से एक पॉइंट आ जाता है टाइमर में, तो यहाँ से एक टाइमर में आ गया और एक यहीं से स्टार्ट बटन से आ जाता है स्टार के लिए, स्टार के लिए टाइमर के एनसी में, तो यहीं से एक उठ के ये टाइमर में चला गया स्टार के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहीं से एक डेल्टा के लिए चला जाता है और यहीं से एक मेन के लिए जाता है। तो आप यहां से देख सकते हैं यहां से एक स्टार के लिए और ये मेन के लिए और एक ये डेल्टा के लिए, बट ये इंटरलॉकिंग होते हुए आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार की बात करते हैं। स्टार हमारा टाइमर के एनसी में गया, टाइमर से निकल के, टाइमर से ये निकला 18 नंबर निकल के ये चला गया डेल्टा के एनसी में, तो यहां से ये डेल्टा के एनसी में गया और यहां से निकल के ये चला गया था स्टार के क्वाइल के अंदर। ये स्टार की क्वाइल है, ये स्टार कंडक्टर की ए वन। ठीक है, यहां पे चला जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम मेन कंडक्टर की। मेन कंडक्टर के अंदर हम पहले एनओ में लेके गए, स्टार के एनओ में, स्टार का एनओ है ये, तो ये वाली जो वायर है, ये वायर आप देख सकते हैं, ये वायर हमने स्टार कंडक्टर के एनओ में लेके गए हैं। ठीक है, और यहीं से हमने वायर को इसके क्वाइल में दे दी है। ठीक है, और इसको इंटरलॉकिंग कर इसको होल्डिंग करते हुए हमने यहां से मेन कंडक्टर के इसी टर्मिनल से हमने एनओ चूज किया, एनओ से ये वायर फिर इसके अंदर जोड़ दी हमने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरी वायर जाती है टाइमर के एनओ पॉइंट पे। टाइमर का एनओ जो डेल्टा वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 नंबर है ये, 28 नंबर से डेल्टा की वायर निकल गई, डेल्टा की वायर चली जाती है ये स्टार कॉन्ट्रेक्टर के एनसी में, तो ये स्टार कॉन्ट्रेक्टर का एनसी है, ये आप देख सकते हैं स्टार कॉन्ट्रेक्टर का एनसी है, यहाँ पे चली गई वायर। यहाँ से निकल के फिर ये वायर चली जाती है जो डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर है उसकी क्वाइल में, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से निकल के डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर के क्वाइल में चली जाती है, ये भी क्वाइल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से लेके ये इतनी वायर तो कंप्लीट हो गई है। अभी ये दिया हुआ मेन होल्डिंग, जो मेन होल्डिंग है वो स्टार्टर को एक बार पुश बटन दबाया तो ये होल्ड हो जाना चाहिए पूरा का पूरा स्टार्टर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो मेन कॉन्टेक्टर है हमारा, इसका एनो टर्मिनल लेंगे और उसको हम जहाँ पे नज़दीक वायर ये वाली वायर लगेगी और एक ये वाली वायर जहाँ पे नज़दीक लगेगी वहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे, जो कि स्टार्ट बटन के पैरेलल में होगी। तो हम क्या करेंगे इसके लिए आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ से जो स्टार्ट बटन ये है, इसका पैरेलल में क्या हुआ, यहाँ से ये वायर यहाँ पे आई, तो यहाँ एक पैरेलल यहाँ पे हो जाएगा इसका, और जो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, जो ऊपर वाला पॉइंट है ये वाला, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर यहाँ पे जोड़ देंगे और इसका जो एनओ का पॉइंट दूसरा बचता है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे ओवरलोड रिले के, क्योंकि ओवरलोड रिले का जो दूसरा टर्मिनल है ये इसके पुश बटन के पास गया हुआ है, तो हम यहाँ से एक वायर यहाँ पे इसके एनओ पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो हम एक वायर जोड़ लेते हैं, फ्रेंड्स आप यहाँ की यहाँ ना जोड़ के बजाय ये यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी दो हैं, यहाँ पे एक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जोड़ के इसको यहाँ से इस साइड पे घुमा सकते हैं या फिर इसको यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ की बजाय इसकी इस टर्मिनल पे जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे आपस में।
ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जुड़ गया है। अभी जो इसका ये पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर जोड़ के इस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट भी जुड़ गया है, अभी हमारी होल्डिंग भी हो गई है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये कंप्लीट भी, ये वाली भी कंप्लीट हो गई है, ये वाली कंप्लीट हो गई, ये भी सब कंप्लीट हो गया है। बट अभी आपको पता है फेज़ 220 वोल्टेज के अंदर एक फेज़ होता है और एक न्यूट्रल होता है। फेज़ की वायरिंग हमारी कंप्लीट होगी बट न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अभी एक न्यूट्रल वायर लेंगे, उसको हम टाइमर के A2 में देंगे, ठीक है, और स्टार कंडक्टर के A2 में, मेन कंडक्टर के A2 में और डेल्टा कंडक्टर के A2 में, यानी कि सबके अंदर एक एक न्यूट्रल वायर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल वायर यहाँ से MCB से लेते हुए इसके A2 में जोड़ेंगे और फिर इसके A2 में इसके सबके अंदर न्यूट्रल वायर पहुँचाने वाले हैं। तो चलिए हम उसको भी एक वायर को जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने सारे के अंदर न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दी है, ठीक है। अभी हमारी बारी आती है इसको टेस्ट करने की, ट्रायल करने से पहले हम इसके जो ये OLR है इसको हम टाइट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हिले डुले ना, ठीक है। इसके जो पिन होती है उनको हम इंटरनली इस कॉन्टेक्टर के अंदर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसको हम टाइट कर दिया है, तो क्या करेंगे, अभी इसके अंदर जो MCB है यहाँ पे हम फेज और न्यूट्रल वायर एक जोड़ने वाले हैं, फेज न्यूट्रल देंगे और उसके बाद इसको टाइट। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसके अंदर वायर जोड़ ली है, आप देख सकते हैं रेड और ब्लैक, फेज न्यूट्रल, और इसको हम करने वाले हैं अभी ऑन करते हैं। इसके अंदर अभी पावर ऑन हो गई है, हमें क्या करना है, ये ऑन करके देखना है। ये जैसे ये दबाएंगे तो टाइमर ऑन होगा और ये ऑन होगा और उसके बाद ये ऑन हो जाएगा, स्टार मेन डेल्टा, ठीक है। तो ये ऑन करते हैं अभी हम, तो देखा आपने अभी आवाज़ आई है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ऑन हो गया है और कुछ देर के बाद डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं स्टार हट गया और डेल्टा लग गया है। तो इतने टाइम के बाद टाइमिंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 25 सेकंड के हिसाब से, मोटर की करंट रेटिंग के हिसाब से, जब तक रनिंग में ना आए। तो इस तरह से इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं यहाँ से हम, ठीक है। तो ये है स्टार, जैसे ये पिकअप होगा तो ये भी पिकअप हो जाएगा और उसके बाद ये छूट जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखना फ्रेंड्स, तो जैसे आपने देखा ऑन करते ही ये दोनों ऑन हो गए हैं, जैसे ही डेल्टा में आएगा तो ये ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये ऑन हो गया। तो इस तरह से आप स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं पावर।